ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। खबरों की शुरुआत प्रतापगढ़ शहर की खबर से करते हैं, जहां साथी के साथ घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने रास्ते में रोककर गोलियों से भून दिया। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। बता दें कि मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां रूपापुर निवासी राम सोज वर्मा के तीन बेटों में मजले उमाकान शर्मा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। गुरुवार शाम 7 बजे वह अफीम कोठी से अपने साथ शेर बहादुर सिंह के बाइक से घर लौटने लगे। बाइक शेर बहादुर चला रहे थे। गांव के पास पहुंचने पर मैरून कार और एक बाइक लेकर खड़े बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। रोकने के पहले ही एक बदमाश ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इसे शेर बहादुर और उमाकांत बाइक सहित सड़क किनारे कटीले तारों पर गिर पड़े। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने पिस्टल से उमाकांत को 7 गोली मारी। वह खून से लथपथ हो गए और फायर की आवाज़ सुनकर पहुंचे लोगों ने किसी तरह कटीले तारों से दोनों को बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उमाकांत को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पुलिस प्रॉपर्टी विवाद के मद्देनजर जांच करने की बात कर रही है। वहीं COCT समेत एडिशनल SP भी मौके पर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज में शेर बहादुर और अन्य परिजनों को बयान दर्ज करने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जो भी आरोपी होगा वो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिलीपुर थाना क्षेत्र की खबर की, जहां तथा कथित रूप से अपहरण किए गए लड़के को लेकर उसकी मां पहुंची प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय। मामले की जानकारी देते हुए पड़ोसियों पर लगाया खड़ंत करने का आरोप। बता दें कि मामला दिलीपुर थाना क्षेत्र के पिपरी खालसा गांव का है, जहां सीमा द्विवेदी के बेटे का अपहरण का आरोप बसपा नेता सुनी राणा पर लगाया गया था और इस मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की। लेकिन जब आगे की जांच पड़ताल शुरू हुई और उसकी जानकारी सीमा को हुई तो अपने बेटे को लेकर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई और आरोप लगाया कि उसके गांव के ही रहने वाले कुछ लोग जबरन खड़ंत रचकर ऐसा कृत्य कर रहे हैं। उसने शिकायती पत्र में उक्त आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग करते हुए बताया है कि ऐसे लोग खड़ंत रचकर कभी भी उनकी और उनके बेटे के साथ कुछ भी अनहोनी की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। परिजनों लगाया प्रेमिका के घर वालों पर पीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू किया जांच। बताने के लिए अपुर कोतवाली क्षेत्र के नयाकापुरवा गांव में रिश्तेदार के घर आए। सांगीपुर थाना क्षेत्र के अकोलिया गांव के आदित्य वर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार देर रात मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया करीब 4 माह पहले आदित्य ने इसी गांव में रहने वाले रिश्तेदार की बेटी से प्रेम विवाह कर कोर्ट से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। उसे बुधवार की रात प्रेमिका ने अपने घर बुलाया और बाद में परिजनों ने मिलकर पीट पीट कर आदित्य को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों को देर रात मामले की सूचना दी गई, जबकि कई घंटे खोजबीन के बाद शव बरामद हो गया। लीलापुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि फोन करके मृतक को बुलाया गया और रात में ही जहर पिलाकर उसे मार दिया गया। गांव के लोगों ने ही घटना की सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता के जांच के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली बड़ी खबर, मारपीट के मामले में प्रतापगढ़ जिला न्यायालय ने सुनाई 4 साल की कारावास और 65,000 रुपये का लगाया अर्थदंड। बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने मारपीट कर बेहोश करने के आरोपी श्याम शंकर मौर्य निवासी गंगापुर हक्सार थाना कोहड़ौर को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कारावास तथा 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा शीला देवी थाना कोहड़ौर के अनुसार दिनांक 27 दिसंबर 2000 को दोपहर 2 बजे विपक्षी श्याम शंकर और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी छेनी हथौड़ा लेकर वादनी की दीवार काटना प्रारंभ किया। जब वादनी और उसके पति राधे श्याम ने दीवार काटने से मना किया तो श्याम शंकर ने उसके पति की कुल्हाड़ी से मार पीट कर उसे घायल कर दिया था। उसके सिर पर चोटें लगी और वह गिरकर बेहोश हो गई। राज्य की ओर से पर भी ADGC अनिल मिश्रा ने